बीज जब नष्ट हो जाएगा तभी एक विशाल वृक्ष की संभावना होती है। बीज के नष्ट हुए बगैर बीज जब समा जाता है, गड़ा देता है खुद को, और फिर उसके बाद देखिए छोटा सा अंकुर आता है उस बीज में, उस छोटे से अंकुर में उसके बाद भी आंधी तूफान पानी सब कुछ वहां पर उसको परेशान करते हैं उस बीज को। ऐसे ही साधारण नहीं छोड़ देते कि बीज अब चला गया है रहने दे, उसको आंधी तूफान धूप इतना तेज, लेकिन उसमें अंकुर आता है जब, तो उस बीज को एक आत्मबल मिलता है, एक साहस उसका जागता है, देखो मैं थोड़ा सा तो बड़ा हुआ। जबकि उसने गलना चालू किया, आप ध्यान रखिए अब बीज के गलने के समय आ गए, क्योंकि अब वो फट पड़ा। जब वो फट रहा तो आनंद में है, क्यों? कह रहा है अब मेरा जीवन सार्थक होने वाला है, क्यों? एक नया यहां से निर्माण चालू होने वाला है। जब आप अपने फसल के लिए दाना फेंकते हैं तो जब दाना नष्ट होता है तब अंकुर आता है, तो आपको दुख लगता है कि आनंद आता है? भैया पूरे बीज जम गए, कहते ना अपन लोग बड़ा अच्छा गेहूं जमू है, पूरे सरसों अच्छी जमी है, अगर कोई बीज ना जमे तो आप दुखी होंगे ना, नहीं तो खुश हो जाइए, अरे चलो अच्छा अगले साल के लिए काम में आएगा, नहीं आपको दुख होगा। कहते हैं कि इसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, उसकी वो जो जमने की वो होती है ना गुणवत्ता, है ना, कहते हैं ये इसमें अच्छी जो है, हाँ ठीक है ना। सोचिए आप उसके जब जमने की जो प्रवृत्ति है, जितना ज्यादा जमेगा आपके खेत में, जितनी हरियाली होगी, आप उतना आनंदित होते हैं। उस बीज को कितना कष्ट सहना पड़ता है आप सोचिए, थोड़ा विचार करिए। आपने उसको पानी में छोड़ दिया, धूप में छोड़ दिया, अभी तूफान चलेगा, हवा चलेगी, आप घर में बैठे रजाई में बैठे, लेकिन उसको बीज को अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। वो बीज अग्नि परीक्षा के लिए तैयार बैठा है। हमारा जीवन में बीज जैसा है, इस समाज में जो भी संत महात्मा, जो सच्चे संत महात्मा है, संत महात्मा बन जाना सरल बात है, कपड़े पहन लेना बहुत सरल बात है, कपड़े पहनने से कोई संत महात्मा नहीं होता है, बड़ी जटा बढ़ाने से कोई संत महात्मा नहीं होता है। जब तक अंदर से अग्नि ना जले, जब तक अंदर से उद्गार ना पैदा हो, जब तक दर्द ना हो समाज का, धर्म का, तब तक कोई संत हो नहीं सकता। संत का मतलब शांति, समाज में शांति आए, सतत शांति के लिए जब कार्य करना पड़ेगा, उस समय पर हमारे जीवन में जो लोगों के लिए प्रेरणा प्रस्फुटित होगी। जो बीज कर रहा, बीज चाहता है, और धीरे धीरे अंकुरित होते होते उसके अंदर थोड़े थोड़े पत्ते आते हैं, फिर धीरे धीरे और बढ़ता है, उसमें डगालियां भी आने लगती हैं, थोड़ा डगाल आ गई, थोड़ा और बड़ा, एक बड़ा विशाल वृक्ष बनने की तैयारी पे। और जिस दिन एक बड़ा विशाल वृक्ष बनता है, आज देखिए हमारे सामने नीम का पेड़ इतना बड़ा, आज सैकड़ों साल हो गए होंगे, ठीक है, या कुछ कम भी होंगे, आपके गांव में बड़े बड़े विशाल वृक्ष होंगे, बरगद के पेड़ और ढेर सारे ऐसे बहुत सारे होंगे, उनको देख करके आपके अंदर प्रेरणा आनी चाहिए। ये भी कभी एक छोटा सा बीज रहा होगा, आज सैकड़ों साल में वृक्ष तो बना, इसको लोगों ने प्रताड़ित किया होगा, इसके आजू बाजू भी खरपतवार जमी होगी, इसको नष्ट करने के लिए इसका प्रयास किया गया होगा। राम कथा यूं ही नहीं, बस राम कथा, बार बार हमने चार बार राम का नाम ले लिया, बोले कथा हो गई, नहीं, इसके बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। हम बार बार कहते हैं इस राम कथा को जिसने पूरा समझ लिया, 10 दिन की ये कथा, 9 दिन की कथा, और कोई बोले मुहूर्त, राम जी के लिए बोला गया था कि राम जी जब राजा बन जाए तभी मुहूर्त है, अच्छे काम के लिए ना तो मुहूर्त, न तारीख, न तिथि, न दिशा, न दशा। जब आप घर में मिठाई आती तो देखते हैं आज कितना बज गया, 9:30 बजे का मुहूर्त है मिठाई खाने का, नहीं, जितना आप निरंतर समर्पित हो सकते 24 घंटे आपका, अब लोग अखंड रामायण करते 24 घंटे की अखंड रामायण में रात भी तो आती है, रात में क्यों कर रहे हैं फिर भाई, रात में क्यों कर रहे हैं, रात में अंधेरा आ रहा है, अंधकार में ना करें, अंधेरा तो राक्षसी प्रवृत्ति जगाता, लेकिन नहीं,
24 घंटे हम आनंद को समर्पित कर रहे हैं, परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, परमात्मा हो जाने के लिए बीज का जन्म हुआ है, एक विशाल वृक्ष बनने के लिए। बीज का जन्म सिर्फ बीज बनने के लिए नहीं है, इसलिए हम बीज के जन्म को समझे, बीज के जन्म की सार्थकता को समझे। बीज हम हैं, बीज आप हैं, और हम आप ही एक विशाल वृक्ष बन सकते हैं। अगर आपने हमने विशाल वृक्ष बनने का चिंतन नहीं किया, विशाल वृक्ष बनने का संकल्प नहीं लिया, तो फिर हमारा जीवन बेकार है, उसी गेहूं चावल के जैसे जो घुन लग जाता है पड़े पड़े। एक महात्मा जी ने अपने दो शिष्यों को बुलाया, बोले मेरे पास में कुछ है, मैं तुमको देना चाहता हूं। तो शिष्य तो बोले चलिए अच्छी बात है गुरु जी आपकी जो आज्ञा। लालची नहीं थे, दोनों भक्त थे। गुरु जी दोनों को एक एक पोटली में कुछ अनाज दिया। गुरु जी ने, आपने कथा सुनी होगी, दोनों को अनाज दिया। एक भक्त जो था गुरु जी की उस पोटली को अगरबत्ती लगाता था सुबह शाम, मेरे गुरु जी का प्रसाद है, मेरे गुरु जी ने पोटली दी है, दोनों टाइम अगरबत्ती लगाता था उसमें वो। और एक व्यक्ति था, उसने उस अनाज को ले जाकर खेत में डाल दिया। बोले गुरु जी ने बड़े भाव से दिया, इस अनाज को नष्ट नहीं होने दूंगा, इसके जैसे और ढेर सारे अनंत बीज तैयार करूंगा। गुरु जी आए, पहले वाले से बोले क्यों बेटा? बोले गुरु जी ये रखिए आपकी पोटली, देखिए। गुरु जी पोटली उठाए, उसमें से डस्ट निकल रही थी, धूरा घुन गया था अनाज। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, दूसरे वाले के पास गए, बोले क्यों भैया तुम्हारा? तो बोले गुरु जी आपको मैं वापस तो कर दूंगा, थोड़ा समय लगेगा। बोले क्यों समय लगेगा? बोले समय इसलिए लगेगा, उसके लिए खेत जाना पड़ेगा। बोले खेत में क्यों? बोले खेत में इसलिए क्योंकि आपने जो दिया था मुझे उसको मैंने खेत में बो दिया है। बोले चलो गए, तो फसल लहलहा रही थी, गुरु जी देखे और शिष्य के पीठ में हाथ ठोके, बोले धन्य है तुम्हारे जैसे शिष्य। और पहले वाले को बुलाए, अरे बोले मैंने तुमको दिया तो इसीलिए था कि इसको कई गुना कर दो, हमारा जीवन भी कई गुना होने के लिए है, अकेले के लिए नहीं, हम भी कई गुना हो जाएं, हम भी ब्रह्म में समा जाएं और हम स्वयं ब्रह्म हो जाएं। और तुमने उस बीज को नष्ट कर दिया, क्यों? तुम उसमें दोनों टाइम अगरबत्ती तो घुमाते थे, और आज भी यही चल रहा है कि अगरबत्ती बस लगाना है। सच्चे भाव से आपके पास कुछ ना हो, आपने पाई कहां से अगरबत्ती? हम लोग जो कुछ भी मिलता है उसको समर्पित करते हैं, बहुत अच्छी बात है, समर्पित करना भी चाहिए, क्योंकि धन का काम क्या है? धन कमाया ही खर्च करने के लिए जाता, बताइए। धन तो कमाया ही जा रहा है कि खर्च करना है? दिलेरी से आप कहीं खर्च कर सकें? आपके रिश्तेदार आए, आपने कहा जाओ 1 किलो मिठाई ले आओ, पैसा इसीलिए है। और आपके पास में धन है और आप खर्च ही नहीं कर पा रहे, तो नाश हो गया वो आपका धन, वो घुन लग गई, वो डॉक्टर के पास जाना है अभी उसको, ठीक है ना? क्योंकि दान भोग और नाश, आप उपयोग करिए, खूब उपयोग करिए, अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, और यदि इसके बाद आपको लगता है कि ये किसी और के काम में आ जाए तो उसके काम में भी उपयोग करिए। और सबसे अच्छा है ज्ञान दान, अन्नदान, वस्त्रदान। किसी का तन ढक सकते हैं जरूर तन ढकिए, किसी को भोजन आप करा सकते हैं जरूर कराइए, किसी को ज्ञान अमृत दे सकते हैं जरूर दिए। क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं आपने यदि ये 3 काम कर लिए, पता नहीं आप किसके लिए और आप लोगों के लिए भगवान हो जाएंगे। धीरे 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 पेड़ों की पूजा क्यों करते हैं हम? क्योंकि पेड़ छाया दे रहा। आपने कभी देखा है कि किमाज की पूजा करते किसी को? किमाज की पूजा कभी किसी ने की? नीम की पूजा, तुलसी की पूजा, रुद्राक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, इनकी पूजा क्यों होती है? है ना? तो एक बार क्या हुआ, बड़ी मजेदार बात आपको बताते हैं। क्या हुआ एक बार, आपको जो है एक किस्सा बताते हैं। एक बार एक बाहर से एक व्यक्ति आया, तो अपने भारत के व्यक्ति ने कहा है तुलसी मैया है इनके पैर पड़ो। उसने उखाड़ दिया तुलसी मैया के पौधे को, उखाड़ दिया और कहता तुम्हारे यहां तो सब पेड़ पौधे की पूजा होती रहती है। तो अपने गांव के व्यक्ति को गुस्सा आई,
बोले अरे तुलसी के पौधे को उसने उखाड़ दिया। तो बोले रुक जाओ। वो गया केमाज के पौधे के पास, बोले ये क्या है? बोले ये भी, इनकी भी हम पूजा करते हैं। तो बोले तुलसी तो मैया है, उसको भी? बोले हमारे पिताजी हैं। किमाज के पौधे को कहा, बोले हमारे पिताजी हैं। उसने उखाड़ा किमाज का पौधा और आपको पता है कि क्या हुआ होगा उसका? तो बोले तुलसी तो मैया थी, ये हमारे पिताजी हैं, अब पिताजी से पाला पड़ा है तुम्हारा। तो ऐसा होता है। तो निश्चित मानिए हमारे जीवन में अच्छाई बुराई सब कुछ है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज हमको बुरा कहने वाले लोगों की कमी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज को लोग गालियां देते हैं, अरे आपको लोग गालियां देते हैं, सबको, क्या कर लोगे? कोई समस्या नहीं, आप आनंद बांटते रहिए। जो अच्छा करेगा गालियां उसी को मिलेंगी। हमने बताया था आपको, भला जो बंदूक लेके चल रहा उसको कोई गाली दे दे, कहीं मार डारी दोस्त, कहीं न देने कछु गाली, ये तो मार डारेगा, अभी तुरंत गोली चला देगा। लेकिन जिसके हाथों में फूल हैं, हमने आपको बताया था गौतम बुद्ध के ऊपर थूक दिया किसी व्यक्ति ने, गौतम बुद्ध चुपचाप चले गए। दूसरे दिन आया, माफी मांगने लगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि ना तुम्हारे थूकने का दुख हुआ, ना तुम्हारे माफी मांगने कोई आनंद, ये तो उस जमाने में चलता जब मैं इस रूप में नहीं आया था, तब मुझे गाली देते तुम तो तुमको पता होता कि तुमने किसको गाली दी थी, और उसी समय पर माफी भी मांगते तो तुमको माफ करने का भी मुझे आनंद आता कि मैंने किसी को माफ किया। अब तो माफी और टाफी वाला कोई काम ही नहीं है, अब तो सीधा आनंद ही आनंद। जिसने परम आनंद को बांट दिया है वही परम आनंद को प्राप्त करने का अधिकारी। इस बात को गांठ बांध कर हम लोग रख लें। आपने आनंद नहीं दिया, आप यदि दुखी हैं तो निश्चित मानिए कि कहीं ना कहीं उस दुख का कारण हम स्वयं हैं।